प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जलाएँगे, पैन रखेंगे, एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इनको थोड़ा भूनेंगे मीडियम फ्लेम में ताकि इसमें का कच्चापन खत्म हो जाए। अब एक चम्मच लाल तीखी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इनको भी थोड़ा भूनेंगे। एक मीडियम साइज प्याज बारीक तरीके इनको भी डाल देंगे, इनको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। एक कप गाजर डालेंगे, गाजर को हमने इस तरीके पतले पीस में काट लिया है। 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली गोल्ड मिर्च के पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। इनको भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। एक चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, इनको भी अच्छी तरीके मिलाते हैं। आधा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, भी डाल देते हैं। एक कप पत्ता गोभी को बारीक काट लिया इस तरीके, इनको भी डाल देते हैं। इनको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, इनको भी डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे इस तरीके भूनते हुए। डाल देंगे, हरा धनिया को भी बढ़िया से मिला देंगे। एक कप नूडल्स डाल लेंगे, नूडल्स को हमने बॉइल्ड कर लिया है, इनको भी मिलाते हैं। फिलिंग बनके तैयार हो गई, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आइए स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा मैदा ले लेंगे सूखा, अब इसमें पानी डालेंगे, पेस्ट बनाना है। इस तरीके का पेस्ट बनाएंगे, ना ही ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। स्प्रिंग रोल शीट लेंगे, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो मैदे का भी पतला बेल कर इस तरीके बना सकते हैं। अब इसमें फिलिंग डालेंगे, अब मैदे का पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ। अब इनको फोल्ड करेंगे से। अब इनको इस तरीके रोल बना लेंगे। ये देखिए, है ना आसान दोस्तों। अब किनारे के हिस्सों में थोड़ा पेस्ट लगाकर चिपका देंगे ताकि खुलने ना पाए। ये देखिए, स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके दूसरा बनाते हैं। फिलिंग डाला, किनारे के हिस्सों में पेस्ट लगाया,
इस तरीके फोल्ड करेंगे। अब इनको स्प्रिंग रोल बना लेंगे। सभी स्प्रिंग रोल बना के तैयार कर लिए हैं। आइए अब इन्हें छानते हैं, फ्राई करते हैं। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, अभी स्प्रिंग रोल डाल देंगे इसमें। इनको चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ये देखिए सुनहरा कलर, कितना बढ़िया कलर। इसी तरीके सभी रोल्स बना के तैयार कर लेंगे छान कर। ये देखिए सभी स्प्रिंग रोल हमने छान कर तैयार कर लिया। आइए अब इन्हें सर्व करते हैं। टमाटो सॉस के साथ सर्व करिए या चिली सॉस के साथ, आप जिसके साथ पसंद करते हो उसके साथ सर्व कीजिए। दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर घर पे बनाइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.